यार काफी सारी IITs एंड NITs हर साल अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम्स निकालती हैं। ये समर में हो रहे होते हैं, 2 से 3 महीने के हो रहे होते हैं, एंड इनमें कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर तुम किसी भी कॉलेज से हो इंडिया के, यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट। एंड ये हर डोमेन में होते हैं। अगर तुम कंप्यूटर साइंस में करना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस में कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हो, या फिर तुम कोर ब्रांचेस में करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। काफी सारी IITs एंड NITs इनमें स्टाइपेंड प्रोवाइड करती हैं। 5,000 से लेकर 10,000 का स्टाइपेंड तुम्हें मिल रहा होता है। साथ में तुम्हें अकोमोडेशन एज वेल एज फूड तुम उस कैंपस में जाके रह सकते हो, एंड वहां पे नॉर्मल हॉस्टल रेट्स पे वो ले सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी IITs या फिर NITs की इंटर्नशिप्स अभी ओपन है, एंड इनकी डेडलाइंस बहुत शॉर्ट होती है, तो तुम्हें जाके अप्लाई करना है इन सबके लिए। अगर तुम एक समर इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो इस साल के लिए, तुम किसी भी ईयर से हो सकते हो, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं मोस्ट ऑफ देम के लिए। सो मेक श्योर करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर तुम्हारे कुछ डाउट्स हैं। तो यार सबसे पहले इंटर्नशिप जिसकी बात कर रहे हैं, दैट इज बाय IIT ISM धनबाद। आई हैव बीन टू दिस कॉलेज, इट्स अ ग्रेट कॉलेज। अगर तुम कोर ब्रांच से हो तो यहाँ की पेट्रोकेमिकल या यहाँ की केमिकल काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। एंड दे आर हेयर विद देयर समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम, जहां पे तुम अगर तुम अंडर ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो तो तुम अप्लाई कर सकते हो। लॉन्ग टर्म रिसर्च इंटर्नशिप भी अवेलेबल है फॉर बीटेक, एमटेक, एमएससी या फिर एमबीए स्टूडेंट्स। इसके लिए तुम्हें अपनी एप्लीकेशन को ईमेल करना है SRIP@IITISM.ac.in before 15th of April। तो जितनी जल्दी करोगे उतना जल्दी चांस होता है कि तुम्हारी एप्लीकेशन को देखा जाए, तो प्लीज ट्राई टू डू इट बिफोर। ऐसे लास्ट डेट तक वेट नहीं करनी होती, ठीक है। तो दिस इज फॉर कैटेगरी 1 एंड फॉर कैटेगरी 3। यहाँ पे पूरी डिटेल्स में मेंशन है कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे तुम्हें चाहिए होंगी। कुछ इंस्टीट्यूट फंडेड है, कुछ प्रोजेक्ट फंडेड है, कुछ सेल्फ फंडेड है, राइट। तो इसके बारे में तुम्हें डिटेल्स, तुम्हें 5,000 का स्कॉलरशिप भी मिल रहा होगा फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। अकोमोडेशन मिल रही होगी बेस्ड अपॉन अवेलेबिलिटी, राइट। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ प्रोसीजर है, या फिर लॉन्ग टर्म रिसर्च इंटर्नशिप के लिए क्या प्रोसीजर है, हर चीज यहाँ पे डिटेल में मेंशन है। अगर तुम कौन सी डोमेन में करना चाहते हो वो भी मेंशन है। तो ये फॉर्म भर के तुम्हें एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी है एंड ईमेल करना है, एंड यू आर डन। नेक्स्ट इज NIT Silchar। NIT Silchar सामने यार, दिस दे आर ऑल्सो कंडक्टिंग दिस स्कॉलरशिप, दिस समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, सत्येंद्र बोस समर इंटर्नशिप प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। अगर तुम सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स सारे डिपार्टमेंट्स में हो, या फिर सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज अगर तुम MBA कर रहे हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर द सेम। 6 वीक्स की होने वाली है, June 1st to July 30th तक। एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। CPI of 7 or 70% फॉर एक्सटर्नल स्टूडेंट्स, मतलब 7 CGPA से अब होना चाहिए। अकोमोडेशन नहीं दी जाएगी फॉर ऑफलाइन इंटर्नशिप। कॉल फॉर इंटर्नशिप है 18th March को, लास्ट डेट अप्लाई 15th April, एंड तुम सिलेक्ट होते हो या नहीं सिलेक्ट होते उसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी बाय 30th of April। तो इसमें बहुत सारे फैकल्टीज हैं जिनके अंडर तुम कर सकते हो, सारे डिपार्टमेंट्स के हैं, कंप्यूटर साइंस से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल या फिर मैनेजमेंट। तो इसके बारे में भी जान सकते हो, एंड यू कैन अप्लाई फॉर NIT Silchar। ऑल्सो बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि IIT में जाके उनको MTech करनी है, तो उसके लिए गेट एग्जाम हर साल लिखते हैं। तो आई वॉज इन एन इवेंट येस्टरडे जहां पे बहुत सारे गेट रैंकर्स मिलने का चांस मिला। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था Unacademy ने, एंड बहुत सारे डोमेन से गेट ऑल इंडिया रैंक 1 2024 के स्टूडेंट से मिलने का चांस मिला। काफी सारे गेट के एजुकेटर से मिलने का चांस मिला, एंड काइंड ऑफ काफी मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल जर्नीज थी उन सबकी। इस इवेंट के कुछ ग्लिम्सेस तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होगे कि कैसे हमने स्टूडेंट से बात की, कैसे हमने स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया, एंड कैसे पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, एंड फेलिसिटेशन सेरेमनीज हुई इन सब गेट रैंकर्स की। सो अगर तुम्हारा भी ड्रीम है कि तुम गेट 2025 या फिर 2026 को एस करना चाहते हो, तो एक स्पेशल स्कॉलरशिप टेस्ट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। 24th मार्च को ये टेस्ट हो रहा होगा। उस टेस्ट का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस टेस्ट को देके यू कैन गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप। अगर तुम Unacademy का कोई भी कोर्स करते हो तुम्हें 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। ऑल्सो टॉप रैंकर्स को Amazon वाउचर्स मिल रहे होंगे वर्थ 1,000 rupees। तो एंड साथ ही साथ तुम्हारा चांस है टू गेट अ फ्री कोर्स फ्रॉम Unacademy। प्लस तुम्हें इस टेस्ट में सिर्फ एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, तुम्हें गेट CS या गेट किसी भी और डोमेन का क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो बेसिक एप्टीट्यूड के बेसिस पे टेस्ट होगा, और टेस्ट की डेडलाइन इज 24th मार्च। जाके अभी चेकआउट करो एंड रजिस्टर करो इस टेस्ट के लिए। नाउ लेट्स मूव बैक टू द वीडियो। इंटर्नशिप इसके अलावा गुवाहाटी भी इंटर्नशिप ऑर्गेनाइज कर रहा है। IIT गुवाहाटी इज ऑर्गेनाइजिंग दिस समर ट्रेनिंग और समर इंटर्नशिप, जिसमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, बट दिस इज स्पेसिफिकली फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो अगर तुम सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर द सेम। लास्ट डेट इसकी है 30th of March, जाके जल्दी अप्लाई कर दो। 10th को तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगी, एंड ड्यूरेशन होने वाली है 2 मंथ्स। नेक्स्ट इज IIT Delhi, इसकी लास्ट डेट अप्लाई वॉज 20th of March, बट इन्होंने एक्सटेंड करके इसको 25th of March कर दिया है। तो जाके अप्लाई कर सकते हो, स्टिल देर आर 3 डेज। इसमें तुम्हें अपने HOD से एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होगा, उसको ध्यान से देख लेना। एंड इसमें तुम्हें पर वीक 500 rupees की फेलोशिप मिल रही होगी, प्लस तुम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज SVNIT Surat।
अगर तुम सूरत या फिर गुजरात के आसपास वाले एरियाज में हो तो SCNIT सूरत में तुम इंटर्नशिप कर सकते हो, जिसमें तुम्हें पर मंथ स्टाइपेंड मिल रहा होगा 5,000 रुपीज प्लस इसकी लास्ट डेट अप्लाई 12th of April, तो काफी दिन पड़े हैं एंड ये 15 टर्न्स हायर करने वाले हैं, तो नंबर इज ऑल्सो काफी बिग, काफी अच्छे चांसेस हैं सिलेक्शन के। ड्यूरेशन होने वाली है May 13 से लेकर July 12 तक एंड हॉस्टल अकोमोडेशन SCNIT के हॉस्टल में मिल जाएगी, बेसिक तुम्हें पेमेंट करनी होगी फॉर हॉस्टल्स राइट। तो ये सब बेसिक फैसिलिटीज तुम लैब्स एक्सेस कर सकते हो, बीटेक बी स्टूडेंट्स हो देन यू कैन अप्लाई, एप्लीकेंट शुड बी अमंग द टॉप 20 वेदर अपने कॉलेज के टॉप 20 वेदर, तुम्हारी CGPA वगैरह अच्छी होनी चाहिए, मेजरली IITs यही देखती हैं राइट। सो इसमें भी तुम अप्लाई कर सकते हो, फाइनल रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा 19th of April को, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लिस्टेड है, एप्लीकेशन फॉर्म भरो। डिपार्टमेंट्स भी अगर तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, केमिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई करना चाहते हो, यू कैन अप्लाई फॉर द सेम। नेक्स्ट इज IIT तिरुपति में भी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है, प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। टॉप 5 स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड मिल रहा होगा 5,000 रुपीज पर मंथ का, एंड डिपार्टमेंट्स मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, बीट केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ह्यूमैनिटीज, फिजिक्स, तो इन सब डिपार्टमेंट्स में तुम रिसर्च इंटर्नशिप कर सकते हो, यहाँ पे लिंक तुम्हें मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करो, यू कैन अप्लाई फॉर द सेम। नेक्स्ट इज IIT मद्रास, IIT मद्रास का समर फेलोशिप प्रोग्राम काफी ज्यादा फेमस है एंड दिस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड दिस ईयर, थर्ड ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट, थर्ड ईयर BE BTech BSc और थर्ड ईयर टू फोर्थ ईयर MEMTech प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। प्रोजेक्ट होने वाला है 2 May से लेकर 21 July 2024 तक। IIT के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्होंने लिखा है IIT के बच्चे एलिजिबल नहीं है, तो सबको चांस मिल रहा है किसी भी डोमेन से हो तुम आके यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो। 6,000 रुपीज पर मंथ का स्टाइपेंड तुम्हें मिल रहा होगा, काफी अच्छा स्टाइपेंड भी है एंड यू कैन गेट इन IIT मद्रास। नेक्स्ट इज IIT पलक्कड़। IIT पलक्कड़ की लास्ट डेट इन्होंने सबसे पहले मेंशन किया April 6th। एप्लीकेशन प्रोसेस इज देयर, यहाँ पे तुम्हें एक पोर्टल मिलेगा, पोर्टल पे जाकर रजिस्टर करना है, एप्लीकेशन ऑलरेडी ओपन है एंड लास्ट डेट इज April 6th राइट। इसमें भी तुम्हें अपनी अपनी पूरी डिटेल्स देनी है, अपने एप्लीकेशन प्रोसेस में तुम्हें बताना है कि तुम्हारा अकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, हाउ व्हाट वर योर अकम्पलिशमेंट्स एंड तुम्हारा एरिया ऑफ रिसर्च क्या है। यहाँ पे तुम्हें 8,000 रुपीज पर मंथ का स्टाइपेंड मिल रहा होगा, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टाइपेंड, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू शुड लुक फॉरवर्ड टू, अगर तुम साउथ में आके एक्सप्लोर करना चाहते हो इट इज अ गुड चांस। IIT रुड़की की इंटर्नशिप जल्दी ओपन होने वाली है, करंटली ओपन नहीं है बट ये वेबसाइट है, आई विल गिव इट इन द डिस्क्रिप्शन, जब भी ओपन होगी जाके अप्लाई कर देना। नेक्स्ट इज IIT रोपड़। IIT रोपड़ में भी समर इंटर्नशिप, समर फेलोशिप प्रोग्राम होता है फ्रॉम May 15 to July 15। तुम पंजाब या फिर नॉर्थ के किसी एरिया से हो, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, देन IIT रोपड़ कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं यार, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, तो इन सब में भी अप्लाई कर सकते हो। तो इतनी सारी इंटर्नशिप्स निकली हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट IITs NITs में, जाके अप्लाई कर दो, तुम्हें सिर्फ एक एप्लीकेशन प्रोसेस बनाना है एंड जाके सब में अप्लाई कर देना। सब में अप्लाई करोगे देयर आर चांसेस कि तुम एक या दो में तो सिलेक्ट हो ही जाओगे, फिर तुम अपने आप से डिसाइड करना है कि तुम्हें किस में जाना है। तो आई वुड रिकमेंड एक एप्लीकेशन बनाओ, अपने आंसर्स वगैरह लिखो, अपने रिसर्च एक्सपीरियंसेस लिखो, अच्छा सा रिज्यूमे बनाओ, अपने ऑफिस से, अपने HOD से एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लो कि तुम इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो, तुम जा सकते हो, बस उसको सब में जाके अप्लाई कर दो। इसके अलावा और भी निकलने वाली है, आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू अबाउट द सेम, जाके अप्लाई कर दो। और जो स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बात की है मैंने, उसमें जाके अप्लाई कर दो, टेस्ट बिल्कुल फ्री है, तुम Amazon vouchers ले सकते हो, प्लस यू गेट अ स्कॉलरशिप अप टू 100%। तो जाके चेकआउट करो, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर यू डू रजिस्टर फॉर द स्कॉलरशिप टेस्ट एज वेल। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, बाकी और बहुत सारी वीडियोस आने वाली है चैनल पे, तो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को। अगर तुम्हारे कोई भी और डाउट्स रिलेटेड टू एनीथिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो।